हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा चैनल भारत भूमि में। आज हम बनाएंगे ऑमलेट करी। इसमें चाहिए अंडा, टमाटर, प्याज, चिल्ली और मसाले। मसाले में धनिया, हल्दी, जीरा और नमक। तो पहले हम लोगों को अंडा को ऑमलेट बनाना है। तो हम लोग एक अंडा को ऑमलेट बना लेते हैं। थोड़ा तेल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अंडा में थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, अभी ऑमलेट को बीच में से फाड़ देना है, गोभी से फाड़ देना है। एक ऑमलेट रेडी हो गया। अभी हम लोग ऐसे करके बाकी सब अंडे का ऑमलेट बनाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम लोगों का सारे ऑमलेट हो गया। हम लोगों ने सारे ऑमलेट बना लिए। अभी हम लोग मसाला को ग्राइंडर में देखिए ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लेंगे सब मसाले का। हाँ, देख सकते हैं कि आप लोग हमारा ऑमलेट रेडी है। अभी हम लोग मसाला की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो प्याज थे, हम लोगों ने उसको आधा सा अनार को पेस्ट कर दिया, आधा को बारीकी से काट लिया। टमाटर को हम लोगों ने ग्राइंडर में पेस्ट कर लिया। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे भी ग्राइंड पेस्ट कर सकते हो, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और हमारे पास जो चिल्ली था, चिल्ली को हम लोग बीच में से फाड़ दिया। और जितना भी मसाला था, मसाला हम लोग ग्राइंडर में पेस्ट कर लिया। ग्राइंडर नहीं है तो आप ऐसे ही मसाला पाउडर को एक साथ में पानी में मिला सकते हो। और अब हम लोगों का कढ़ाई अभी गर्म हो गया। हम लोग इसमें थोड़ा भी तेल डालेंगे, सरसों का तेल। थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा गेहूं से हो जाता है। हाँ देखिए, तेल गर्म हो गया है। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। गर्म तेल में हम लोग डालेंगे थोड़ा काला जीरा। थोड़ा को चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए काला जीरा। अभी हम लोग इसमें डालेंगे प्याज, काटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची।
इसको पूरा लाल होने तक हम लोग फ्राई करेंगे प्याज को। हम लोग प्याज को लो स्टीम में फ्राई करेंगे, लो स्टीम में प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज पूरा फ्राई होने के बाद जब लाल लाल हो जाएगा हम लोग इसमें पेस्ट प्याज और पेस्ट टमाटर डाल देंगे। प्याज अभी लाल हो गया, हम लोग इसमें अभी पेस्ट प्याज डालेंगे। पेस्ट प्याज डाल के पूरा फ्राई करेंगे। ये हम लोगों का प्याज फ्राई हो गया, अब हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला को थोड़ा मिक्स करके अभी हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर। इसको थोड़ा पानी चाहिए, हम लोग इसको थोड़ा पानी दे देंगे और अभी टमाटर दे देंगे। टमाटर को दे दिया हम लोग अभी, तो अभी हम लोग थोड़ा हम लोगों ने इसमें टमाटर दे दिया, हम लोग इसको अभी बटर से थोड़ा ढक के रखेंगे। हम लोग पाँच मिनट बाद उठा के देखते हैं इसको फ्राई हो गया। अभी हम लोग साइड में थोड़ा गर्म पानी बैठाया, गर्म पानी को थोड़ा मिलाएंगे, अभी पानी गर्म हो गया। अभी हम लोग कुछ मसाला में पानी मिला देंगे। और इसमें उबाल आते ही हम इसमें ऑमलेट डाल देंगे। इसको दो मिनट बाद उबाल आ जाएगा, उबाल आते हैं उसको इसमें ऑमलेट डाल देंगे। देखिए अभी कढ़ी पे उबाल आ गया, चलिए अब हम लोग इसमें अभी ऑमलेट डाल देते हैं एक एक करके। इसमें अभी टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम लोग शुगर डालेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा शुगर डालने से इसमें थोड़ा अलग फ्लेवर आता है और थोड़ा टेस्ट होता है। अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे और हम लोग का कढ़ी रेडी हो जाएगा। देखिए हम लोग का ऑमलेट का भी रेडी हो गया। अगर आप लोगों को हमारा रेसिपी पसंद आया तो हम लोग इसको लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।